नमश्चण्डिकायै माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है। अन्नपूर्णा शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है भोजन और पोषण का दाता। अन्न का अर्थ है भोजन और पूर्ण का अर्थ है भरा हुआ या परिपूर्ण, इसीलिए अन्नपूर्णा का अर्थ भोजन से भरा हुआ होता है। सनातन हिंदू धर्म में भोजन की पूजा और प्रसाद की बहुत प्रशंसा की जाती है और इसीलिए देवी अन्नपूर्णा को एक लोकप्रिय देवी के रूप में पूजा जाता है। वह शिव की पत्नी पार्वती का ही अवतार है। भारत में वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा देवी मंदिर को समर्पित है। अक्षय तृतीया के दिन देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए सोने के आभूषण खरीदने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी अन्नपूर्णा पहाड़ों के राजा हिमवन की बेटियों में से एक है, इसलिए हिमालय में माउंट अन्नपूर्णा का नाम देवी अन्नपूर्णा के नाम पर रखा गया है। पश्चिमी देशों में खाद्य पदार्थों के साथ उनका नाम जुड़ा होने के कारण उन्हें भोजन के हिंदू ईश्वर के रूप में जाना जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती प्रायः ही कैलाश पर्वत पर पासा खेला करते थे। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच प्रकृति के महत्व और पुरुष की प्रधानता को लेकर बहस छिड़ गई, क्योंकि भगवान शंकर पुरुष की श्रेष्ठता पर जोर दे रहे थे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि यह संसार एक भ्रम है, प्रकृति एक भ्रम है, सभी कुछ एक मृत तृष्णा है, जहाँ पल आता है और चला जाता है, यहाँ तक कि भोजन भी सिर्फ माया है। माता पार्वती, जो भोजन सहित सभी भौतिक पदार्थों की जननी है, उन्होंने यह बात सुनकर अपना आपा खो दिया। देवी पार्वती बोली, अगर मैं भ्रम हूँ तो देखते हैं आप और बाकी संसार मेरे बिना कैसे रहते हैं। ऐसा कहकर वह संसार से अंतर्ध्यान हो गई। उनके अंतर्ध्यान होने के कारण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। समय स्थिर हो गया, ऋतु परिवर्तन रुक सा गया, धरती बंजर होने लगी, भयानक सूखा पड़ने लगा। आकाश, पाताल और धरती तीनों लोकों में मिलने वाला भोजन उपलब्ध नहीं हुआ। देवता, दानव और मनुष्य भूख से तड़पते रहे। दुनिया भोजन से वंचित हो गई और अकाल पड़ गया। तब भगवान शंकर के अनुयायी भोजन के लिए उनसे भीख मांगने लगे, तो भगवान शंकर ने अनुयायियों के लिए घर घर जाकर भोजन के लिए भीख मांगी, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं होने के कारण उन्हें कुछ नहीं मिला। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से कहा, मैंने सुना है कि काशी में एक महिला ने लोगों को भोजन देना आरंभ किया है। भोजन की भीख मांगने के लिए भगवान शंकर काशी गए, लेकिन जब उनको पता चला कि रसोई को चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती ही है। वह बैंगनी और भूरे रंग के वस्त्र पहने और आभूषणों से सजी हुई थी और वह सिंहासन पर बैठी हुई थी और एक एक करके भूखे देवताओं और पृथ्वी के भूखे निवासियों को भोजन परोस रही थी। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को भी भोजन कराया। माँ पार्वती का यह सुंदर रूप कोई और नहीं बल्कि देवी अन्नपूर्णा ही थी, जो पूर्ण और संपूर्ण है। अन्नपूर्णा ने शिव को भिक्षा के रूप में भोजन कराया और देवी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अन्नपूर्णा के रूप में काशी में निवास करूंगी। नित्यानंद करी, बरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्दूताखिल घोर पावनी करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयाचल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षां देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, नाना रत्न विचित्र भूषण करी, हे मां बढ़ाडंबरी, मुक्ताहार विलंबमान विलसद्वक्षोज कुंभांतरी,
काश्मीरा गरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानंद करी रिपुक्षय करी धर्मार्थनिष्ठा करी चंद्रार्कानल भासमानल हरी त्रैलोक्य रक्षा करी सर्वेश्वर्य समस्त वांछित करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरालय करी गौरी उमाशंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ओंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कपाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य विभूति वाहन करी ब्रह्मांड वांडोदरी लीला नाटक सूत्र भेदन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेश मन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी पूर्वी सर्वजनेश्वरी भगवती माता अन्नपूर्णेश्वरी वेणी नील समान कुंटलधरी नित्यान दानेश्वरी सर्वानंद करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी आदिक्षांत समस्त वर्णन करी शंभो त्रिभावा करी काश्मीरा त्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्यांकुरा शर्वरी कामांकांक्ष करी जनोदय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्र रत्न रचिता दाक्षायणी सुंदरी वामी स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभीष्ट करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी चंद्रार्कानल कोटि कोटि सदृशा चंद्रांशु बिंबाधरी चंद्रार्काग्नि समान कुंडलधरी चंद्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तक पाश शंकुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी क्षत्रत्राण करी महाभय करी माता कृपा सागरी साक्षान् मोक्ष करी सदा शिव करी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षाक्रंद करी निरामय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्
स्वदेशो भुवनत्रयम्। अन्नपूर्ण।